नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरभि कपूर, कंसल्टेंट जेनेटिसिस्ट हेगडे फर्टिलिटी से। आज हम लोग बात करेंगे कि एडवांस मेटर्नल एज यानी कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में कैसा प्रभाव रहता है एम्ब्रियो जेनेटिक टेस्टिंग का और उसका क्या प्रेगनेंसी आउटकम में रिजल्ट रहता। हम लोग ये सुनते आए हैं कि जैसे जैसे महिलाएं बड़ी उम्र में और एज बढ़ता है वैसे वैसे उनका फर्टिलिटी कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस रहते हैं और उसमें एम्ब्रियो जेनेटिक टेस्टिंग किस तरह से हेल्प करता है, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। एडवांस मेटर्नल एज वुमेन में यानी कि उन महिलाओं में जिनका उम्र 36 या 35 से ऊपर है, उनमें एग का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती उम्र के साथ कम होता जाता है। हम महिलाएं एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती हैं जो बढ़ती उम्र के साथ एग का क्वालिटी क्वांटिटी कम होता जाता है और एग का क्वालिटी कम होने के वजह से हमारा फर्टिलिटी का रेट कम होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज रेट और क्रोमोसोमल रेट बढ़ जाता है, क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी रेट बढ़ जाता है। क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी रेट एडवांस एज फीमेल्स में क्यों हाई रहता है और किस तरह से लो एग क्वालिटी उसको इफ़ेक्ट करता है, ये आज हम समझेंगे। हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स का रहता है जो आपकी 46 XX फीमेल्स के लिए और 46 XY मेल्स के लिए रहता है। जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने पे एक 23 पेयर फीमेल की तरफ से और 23 पेयर मेल पार्टनर की तरफ से आते हैं। बट लो एग क्वालिटी, अंडे का क्वालिटी लो होने से, बढ़ती उम्र होने की वजह से ये क्रोमोसोम सेपरेट होना फेल हो जाते हैं और एक पूरा पेयर एम्ब्रियो में चला जाता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो में 46 से कम या ज़्यादा क्रोमोसोम होने का चांसेस रहता है। जिस भी एम्ब्रियो में क्रोमोसोम 46 से कम या ज़्यादा रहता है वो जेनेटिकली या क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होता है और उसका मिसकैरेज रेट होना या इम्प्लांटेशन फेलियर रेट होने का चांसेस और बच्चे में किसी तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, SHR या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। ये एम्ब्रियो जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियोज में उन महिलाओं के लिए, बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पाया गया है, क्योंकि ये एम्ब्रियोज में IVF के द्वारा प्रिपेयर बढ़ती उम्र की महिलाओं में ये प्रोसीजर एम्ब्रियो जेनेटिक टेस्टिंग बहुत प्रभावशाली इसलिए पाया गया है क्योंकि जो एम्ब्रियोस हम IVF से प्रिपेयर करते हैं उसमें ये ट्रांसफ़र से पहले क्रोमोसोम को जांच करते हैं और उन महिलाओं को एक मौका मिलता है, क्लिनिशियंस को एक हेल्पफुल हो जाता है कि वो क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियो को यूट्रस में प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज रेट बहुत कम है और इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाता है। नया एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियोस पे है, एडवांस एज वीमेंस को, बढ़ती उम्र की महिलाओं को एक हेल्पफुल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है कि इस टाइम पे अगर वो बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, तो ART साइकिल IVF के द्वारा जब एम्ब्रियोस बनते हैं उनको क्रोमोसोम जांच करके उनके यूट्रस में प्लेस करने से उनको ज़्यादा सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट आने में हेल्पफुल रहता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।